inevitable. वेलकम बैक। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन के फ्यूचर के बारे में अवेंजर्स एंड गेम के बाद। अवेंजर्स एंड गेम देखने के बाद तो हम सभी को पता चली गया है कि आयरन मैन अब नहीं रहा, और मुझे सच में काफी ज्यादा दुख हुआ था, रो भी दिया था मैं। पर उसे मौत कहना सही नहीं होगा क्योंकि उसने तो खुद को सेक्रीफाइस किया है। पर आज हम बात करने वाले हैं इसी कैरेक्टर आयरन मैन के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि अभी बहुत से आयरन मैन से रिलेटेड कैरेक्टर्स और तो और विलन्स और उससे भी ऊपर स्टोरी लाइंस बच रही हैं जिसका एमसीयू में आगे इस्तेमाल हो सकता है। और जहां हमें ऐसा लग रहा है कि एमसीयू कुछ नए कॉन्सेप्ट जैसे कि न्यू अवेंजर्स के साथ आने वाला है, तो उसमें भी शायद हमें आयरन मैन का मेंटल लेते हुए कोई ना कोई तो दिख ही सकता है। आज हम बात करने वाले हैं इसी कैरेक्टर आयरन मैन के फ्यूचर के बारे में। तो पहले तो हम यही बात करेंगे कि हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन वापस कैसे दिख सकता है एमसीयू के अंदर, और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एमसीयू में आयरन मैन के मेंटल को ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भले ही अवेंजर्स एंडगेम ने हमें हमारे सबसे फेवरेट सुपर हीरो से अलग कर दिया हो, पर साथ ही में वो हमें एक उम्मीद भी देके जाती है जो कि है टाइम ट्रेवल और तो और अल्टरनेट रियलिटीज। तो पहले बात करते हैं टाइम ट्रेवल की। तो क्योंकि अब एमसीयू में टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि उसे बस एक ही बार इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा। तो हो सकता है हमारे एवेंजर्स आगे दोबारा कभी किसी बैटल में इसे वापस इस्तेमाल करें और शायद फिर से टाइम में पीछे जाए, या हो सकता है आगे जाए। बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टाइम में पीछे जाने के बारे में। जैसे कि हमें अवेंजर्स एंड गेम में पुराना टोनी स्टार्क दिखा था न्यूयॉर्क वाला, वैसे ही हो सकता है हमें आगे के मूवीज में जब अवेंजर्स टाइम ट्रेवल करते हुए दिखें तो हमें हमारा पुराना टोनी भी दिख सकता है, और उसकी एक ही झलक हम सबके लिए काफी रहेगी। और जो दूसरा कारण था वो था अल्टरनेट रियलिटीज। तो इसी टाइम ट्रेवल के कारण अवेंजर्स एंड गेम में कई सारी अल्टरनेट रियलिटीज बन गई, जिसमें से एक थी वो अल्टरनेट रियलिटी जिसे लोकी ने बनाया था, जो कि टेसरेक्ट लेके न्यूयॉर्क बैटल से गायब हो गया था। और हमें केविन फैगी ने यह भी बताया है कि इसी के ऊपर डिज्नी प्लस का शो बनने वाला है कि आखिर वो लोकी कहाँ गया और उसके साथ आगे क्या क्या हुआ। तो हो सकता है इस रियलिटी में हमारा टोनी स्टार्क जिंदा हो। और भी ऐसी कई अल्टरनेट रियलिटीज थी अवेंजर्स एंड गेम में जिसमें हमें ऐसा लगा कि टोनी स्टार्क जिंदा हो सकता है। इसमें से थी एक ओल्ड कैप्टन की स्टोरी लाइन, मतलब कि जहाँ पे हमारे ओल्ड कैप्टन पैगी कार्टर के साथ अपना वक्त बिता के आए थे वो रियलिटी। बट कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि वो रियलिटी आगे जाके मेन टाइमलाइन से मिल गई, बट इसे एक्सप्लेन करना सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे बूढ़े कैप्टन अमेरिका एंड गेम के बैटल के थोड़े दिन पहले ही वापस फ्यूचर में आ गए थे और सही टाइम देख के उस बेंच पे बैठ गए होंगे। तो हो सकता है वो जिस रियलिटी से आए वहाँ टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा हो, और जो हमारे 2014 से थैनोस और नेबुला की अल्टरनेट रियलिटी फॉर्म हो गई थी उसमें भी हो सकता है टोनी स्टार्क जिंदा हो। बट अभी जितनी रियलिटीज की बात मैंने की उसमें सबसे ज्यादा चांसेस हमें टोनी स्टार्क के दिखने के अगर हैं तो वो है लोकी की बनाई हुई अल्टरनेट रियलिटी में, क्योंकि उसके ऊपर तो एक शो तैयार हो चुका है। बट हालांकि उसे दिखना बहुत मुश्किल है, बट हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम वो जिंदा तो रहेगा डिज्नी प्लस के शो में। और अभी एक और रीजन है जिसके कारण हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला टोनी स्टार्क फिर से दिख सकता है एमसीयू में, जो कि मुझे अब तक आए रीजंस में से सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और तो और ऐसे होने के चांसेस भी ज्यादा है। वो है कि हमें टोनी स्टार्क एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में दिखेगा, जैसे कि अभी जार्विस और फ्राइडे थे, और वो आगे आने वाले आयरन मैन को गाइड करेगा, और ये सच में काफी अच्छा रहेगा। अब वो फ्यूचर का आयरन मैन कोई भी हो सकता है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, शायद वो उसकी बेटी हो या कोई और। तो अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि आयरन मैन का मेंटल ले सकते हैं फ्यूचर में। तो हालांकि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट बन रही थी, बट मैं सिर्फ 3 लेके आया हूँ जो कि अभी एमसीयू में हैं और आयरन मैन का मेंटल ले सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, आयरन मैन का मेंटल लेने वाला अभी हाल फिलहाल में तो उसे बिल्कुल नहीं लेने वाला है, क्योंकि अभी तो आयरन मैन कैरेक्टर अमर हो चुका है। तो कम से कम अगर एमसीयू का आयरन मैन का मेंटल दिखाना है कि कोई ले रहा है, तो वो कम से कम 5 से 6 साल बाद दिखाएगा, और शायद तब तक ही न्यू एवेंजर्स फॉर्म हो। तो चलो बात कर लेते हैं एक बार उन कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन की बेटी के बारे में, यानी कि मॉर्गन स्टार्क। हमें एवेंजर्स एंड गेम की शुरुआत में ही इस बात का रेफरेंस दिखता है कि शायद हमें मॉर्गन स्टार्क आगे टोनी स्टार्क का मेंटल लेते हुए दिख जाएगी। इसका रीजन ये है कि हमें वो रेस्क्यू आर्मर के हेलमेट के अंदर दिखती है, और तो और हमें रूसो ब्रदर्स ने एक और बात बताई कि कैथरीन लैंगफोर्ड को भी कास्ट किया गया था अवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की बेटी के फ्यूचर का रोल प्ले करने के लिए, जो कि हमें ओल्ड वर्ल्ड में दिखने वाले थे, बट वैसा कुछ दिखा नहीं क्योंकि उस सीन को कट कर दिया गया। तो हो सकता है हमें आगे मॉर्गन स्टार्क अपने पापा आयरन मैन का मेंटल लेते हुए दिख जाए। और दूसरा कैरेक्टर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है हार्ली कीनर।
तो हमने इस लड़के को आयरन मैन 3 में तो देखा ही था, साथ में हमने आयरन मैन की फ्यूनरल पे भी देखा, तो एमसीयू अब इसे आयरन मैन की फ्यूनरल पे ऐसे फालतू में तो दिखाएगा नहीं। शायद आयरन मैन के मरने के बाद इसके अंदर एक इंस्पिरेशन आए, जिसके बाद ये भी आयरन मैन की तरह लोगों को बचाने के लिए एक आर्मर पहन ले। और हमें आयरन मैन 3 में तो पता ही है कि कितना ज्यादा स्मार्ट था, इसने आयरन मैन की मदद भी करी थी उसके सूट को चार्ज करने में, और फिर आयरन मैन ने इसको एक पूरी लैब बना के दी थी जिसके अंदर पोटैटो गन का भी मार्क 2 वर्जन था। और तीसरा कैरेक्टर जो कि मुझे नहीं लगता मैं आयरन मैन का मेंटल प्ले करते हुए दिखेगा, बट ऐसे चर्चे बहुत ज्यादा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो है स्पाइडर मैन। क्योंकि हाल ही में आए हुए ट्रेलर में हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि उस ट्रेलर में हर जगह बस इसी बारे में बात हो रही है कैसे टोनी स्टार्क चला गया और अब किस तरीके से स्पाइडरमैन उनके जैसा बनना चाहता है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि स्पाइडरमैन को हमेशा से टोनी स्टार्क ने सिखाई थी, उसकी छोटी से छोटी गलतियां उसे उसी ने बताई थी, और अब वो उस तरह उसके सामने मरा है तो वो डेफिनेटली इंस्पायर हुआ ही होगा। और उसके दुख को तो हम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ट्रेलर में ही देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमें फ्यूचर में वो पूरी तरीके से आयरन मैन का मेंटल तो नहीं, बट हाँ आयरन मैन जैसे काम करते हुए दिख सकता है। जैसे हो सकता है वो भी अपनी कोई इंडस्ट्री चालू कर ले, जैसे कि पार्कर इंडस्ट्रीज, जैसा कि उसने कॉमिक में किया था, और तो और अपने आयरन स्पाइडर सूट का इस्तेमाल करते हुए लोगों की मदद करे। पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू किसी बिल्कुल ही नए कैरेक्टर को ले आए, जैसे कि रीरी विलियम्स, जो कि कॉमिक्स में आयरन हर्ट का रोल प्ले कर चुकी है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आयरन हार्ट के AI जो था वो टोनी स्टार्क ही रहता है, जो कि उसे हमेशा गाइड करते रहता है। तो अगर ऐसा होता है आगे MCU में तो हमें देखने में भी सच में काफी अच्छा लगेगा। पर फिर MCU को एक नए कैरेक्टर के साथ एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, शायद फेज 5 या फेज 4 में ही किसी नई मूवी के साथ। और ये सही भी रहेगा, क्योंकि अगर किसी को आयरन मैन का मेंटल देना ही है तो उस कैरेक्टर को उन्हें बहुत अच्छे से दिखाना होगा, जिसके लिए पूरी ओरिजिन स्टोरी तो दिखानी बनती ही है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हमारे जो दिल में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की टोनी स्टार्क के लिए जगह है ना, वो कभी किसी के लिए नहीं हो पाएगी। और भले ही फ्यूचर में उनका मेंटल कोई भी ले ले, कोई भी आयरन मैन बन जाए, पर टोनी स्टार्क तो कोई नहीं बन पाएगा ना। टोनी स्टार्क एक ही था और एक ही रहेगा। तो बस दोस्तों, आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, और हमारे चैनल को भी कर दे सब्सक्राइब।